देखेंगे कि घर पर ही कैसे आप ब्लीच कर सकें। वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज हिना एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल शॉपहोलिक हिना। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं VLCC ब्लीच का, जो कि काफी ज्यादा फेमस है, और ये है डायमंड ब्लीच, जिसके अंदर प्री पोस्ट एंड ब्लीच हर एक चीज आपको प्रोवाइड होती है। तो उसका डेमो भी देखेंगे, रिजल्ट भी देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके घर पर आप ब्लीच कर सकते हैं, कितना एक्टिवेटर यूज करना होता है। आज की वीडियो में हर एक चीज को कवर अप करेंगे। जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है VLCC इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि ये है इसका आउटर बॉक्स, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि इसके अंदर प्री ब्लीच, पोस्ट ब्लीच, ब्लीच क्रीम एंड आपका एक्टिवेटर इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इस तरीके के दो पाउच मिलते हैं एंड जो कि पोस्ट ब्लीच पैक के होते हैं, एंड प्री ब्लीच पैक क्रीम मिलती है आपको, जो कि वो भी दो पैकेज होती है। मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं एक एक आपको शो कर रही हूँ। ये होता है एक्टिवेटर, जो कि आपको दो कंटेनर्स प्रोवाइड होते हैं। बाकी यहाँ पे पूरा लीफलेट आपको मिलता है, जिसमें डिटेल्स मिलती हैं, कितने कितने टाइप्स के ब्लीच अवेलेबल है वो भी लिखा है, इंस्ट्रक्शंस मेंशन है हर एक चीज़ के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जिसको जो लैंग्वेज आती है उसके अकॉर्डिंगली आप वो मैनुअल को पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस प्योरली तरीके से दिए गए हैं, 24 घंटे पहले पैच टेस्ट आपको करना होता है, और जब आपको कोई भी एलर्जिक या इरिटेशन नहीं होती है देन ओनली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इसे बिल्कुल लास्ट कंटेनर बाकी था, इस वजह से मैं पूरा एक्टिवेटर इसके अंदर डाल रही हूँ एंड स्पून की हेल्प से, क्योंकि मेरे पास वो स्पैचुला है नहीं जो इसके साथ आता है, उसके साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने मेरी सिस्टर के मैं ये अप्लाई करूँगी, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि मेरा एक्ने ट्रीटमेंट चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव आपकी स्किन हो जाती है। तो आप भी यूज़ ना करें अगर इस तरीके की ट्रीटमेंट में है, तो मैं उनके अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और तो चलिए अभी इसको मेन के हेड पे एक बैंड लगा दिया है, ताकि हेयर वगैरह ना आए। तो इस तरीके से बैंड लगाने के बाद आपको प्री ब्लीच सबसे पहले अप्लाई करनी होती है। मेक श्योर कि आपका फेस अच्छे से क्लीन हो। प्री ब्लीच आपको अप्लाई करनी होती है, अच्छे से इसे मसाज करना होता है, जब तक कि आपके वो स्किन में जल्द ना हो जाए। ये एक बैरियर और इरिटेशन को रोकने का भी काम करता है, तो इसे अवॉइड ना करें, बिल्कुल कंजूसी ना करें। आराम से अच्छे से नेक पे, फेस पे, हर एक एरिया पे अच्छे से अप्लाई करें। देन उसके बाद ये ब्लीच क्रीम जो हमने बनाई थी, इसको हम हाथों की हेल्प से ही अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे काफ़ी सही लगता है फिंगर से ही इसे यूज़ करना, क्योंकि काफ़ी वेस्ट नहीं होता है आपका प्रोडक्ट। इसे आपको डाउनवर्ड ही लगाना होता है, क्योंकि आपके हेयर जिस तरीके से ग्रोथ होते हैं उसके डाउनवर्ड्स आपको लगाना होता है। तो अच्छे से अप्लाई कर लें, अपना ईयर पार्ट जो है वो भी कवर कर लें, और जहाँ जहाँ आपको नहीं अप्लाई करना आप चाहें तो वैसलीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि पेट्रोलियम जेली होता है, तो वो आप पहले लगा लीजिए। बट मैं ऑलरेडी बचा बचा के लगा रही हूँ टोटली, ताकि मेरी आईब्रोज वगैरह पे ना लगे। तो अगर खुद से लगा रहे हैं तो आप ये प्रिकॉशन ले सकते हैं। नेक एरिया बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नेक एरिया पे भी आप लगाइएगा, वरना दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो पूरा एरिया आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, और अच्छे से लगाने के बाद रिलैक्स फैन के नीचे बैठ जाइएगा एंड 10 से 15 मिनट आपको इसे वेट करना होता है। 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद आप चाहे तो वॉश कर सकते हैं, स्पैचुला से रिमूव कर सकते हैं, बट मैं एक गीला जो मेरा ओल्ड टॉवल है उसको मैं वेट कर लेती हूँ अच्छे से, और उसी से ही पूरा फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं वीडियो में भी कर रही हूँ, पूरे अच्छे से क्रीम को निकाल लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी, और जब आपको लगे कि ये पूरी अच्छी तरीके से वॉश हो गया है, तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है इसका पोस्ट ब्लीच पैक कह सकते हैं, क्रीम कह सकते हैं, वो मैं ले रही हूँ। ये थोड़ा आपको लगेगा वाइट क्रीमी टेक्सचर में आपको लगेगा, एक्चुअली ये अप्लाई करने की फुटेज थी, ये थोड़ी सी मेरे से मिसप्लेस हो गई थी, तो ये ही फुटेज मेरे पास अवेलेबल थी, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़। एंड इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद तुरंत आप इसे मसाज करने लगे, मसाज करते करते देखेंगे ये आपके स्किन के साथ काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाएगा।
क्योंकि इसके अंदर यू नो एक ग्लिटरी पार्टिकल्स से आपको दिखते हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्लो आपको प्रोवाइड होता है इसको अप्लाई करने के बाद। और चाहें तो ये नाइट में ही करें, क्योंकि नाइट में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है आपको। नाइट में अगर आप करेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा नरिश लगेगी अगली मॉर्निंग में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी दिन ऑफ करें, नाइट में ही करके सो जाएं, कुछ भी आपको नहीं करना उसके बाद फेस वॉश वगैरह में। सुबह उठ के जो भी है आप अपना रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। लॉकडाउन में बिल्कुल भी पार्लर जाना सेफ नहीं लगता है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं शेयर करूं। वैसे तो काफी वीडियोस आपको मिल जाएगी, बट स्टिल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।